हिस्ट्री का भंडार है हमारा देश। हर एक कहानी भारत देश की गौरव को बढ़ाती आ रही है, चाहे वो कहानी इंसानों के टाइम की हो या फिर भगवान के टाइम की। मेरे कहने का मतलब यह है, चाहे हिस्ट्री अंग्रेजों के टाइम की हो या फिर श्री राम श्री कृष्ण के टाइम की हो। अरे हाँ, श्री कृष्ण के नाम उठाते ही मुझे एक कहानी की याद आ गई, वृंदावन की निधिवन की कहानी। इस कहानी को आप विश्वास कर भी सकते हैं या फिर मुझे गाली भी दे सकते हैं। गाली दे दो फिर भी चलेगा, लेकिन आपको ये कहानी सुननी तो पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बात बीच में रोकने से मेरी पेट दुखने लगती है। और एक बात बोलना तो भूल ही गई, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब जाते हैं असली स्टोरी के पास। कृष्ण भगवान मथुरा में जन्म लिए थे। मथुरा से 15 किलोमीटर दूर में एक मंदिर है जिसको निधिवन के नाम से जाना जाता है। बहुत साल पहले एक बड़ी सी जंगल में मंदिर था, पर अब की बात बोलूं तो एक मंदिर में छोटा सा जंगल है। उस जंगल की पेड़ बहुत ही अजीब तरीके से झुक के रहते हैं, यानी नॉर्मली पेड़ तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, पर उस जंगल में पेड़ नीचे की तरफ झुक के बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर 16,108 पेड़ हैं। ध्यान से सुनिए, 16,108। इस नंबर को बार बार क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि ये नंबर परमानेंट है, यानी वहाँ पर हमेशा 16,108 पेड़ ही रहते हैं। अगर कोई एक पेड़ मर भी जाए फिर भी उस जगह पर फौरन एक दूसरा पेड़ निकल आता है। उन पेड़ों को कृष्ण भगवान के 16,108 गोपियाँ कहा जाता है। रात के समय वो सारी पेड़ एक एक गोपियों के रूप धारण करके कृष्ण भगवान के साथ नृत्य करते हैं। थोड़ा ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ ना, पर क्या करे, कभी कभी बोलना पड़ता है। खैर छोड़ो, हम गोपियों के बारे में बात करते हैं। आपके मन में सवाल आया है, क्या ऐसा सच में होता है? ऐसा होते हुए किसी ने देखा है? अरे भाई कैसे देखेगा, रात के टाइम में वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। शाम 7 बजे कृष्ण भगवान की आरती होते ही सभी भक्त और खुद पंडित भी बाहर आ जाते हैं और मंदिर के मुख्य द्वार को बंद कर देते हैं। उसके बाद मंदिर के अंदर जाना तो दूर की बात है, कोई मंदिर की तरफ देखता तक नहीं है। यहाँ तक कोई पशु पक्षी भी वहाँ पे नहीं जाते हैं। दिन में भक्तों से भरा मंदिर रात को भूत बंगला बन जाता है। ऐसा मत सोचिए कि मूवीज में जैसे दिखाते हैं वैसा, मैं तो बस एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि रात को मंदिर के अंदर जाने के लिए हर कोई कांपता है। और हाँ, जो हिम्मत करके अंदर गया है उसका मरा हुआ शरीर ही लौटा है। मंदिर के सामने सारे घरों पर भी कोई खिड़कियाँ नहीं रखता है, अगर खिड़कियाँ हो फिर भी उसको कोई खोलता नहीं है, हमेशा बंद ही रखते हैं। इस निधिवन में वंशी छोर राधा मंदिर भी है। वहाँ के लोगों का कहना है कृष्ण ने अपनी बंसी बजाते हुए राधा को बिल्कुल अटेंशन नहीं देते थे। राधा ने उनकी बंसी को चुरा के उसी मंदिर में जाके छुप गए थे, इसीलिए उस मंदिर को वंशी छोर राधा मंदिर बोलते हैं। निधिवन में एक रंग महल भी है। ऐसा कहा जाता है राधा कृष्ण दोनों रोज नृत्य करने के बाद उस रंग महल में विश्राम करते हैं। कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास ने कृष्ण के दर्शन पाने के लिए 40 साल तपस्या किए थे। उनके तपस्या से राधा कृष्ण दोनों प्रत्यक्ष होकर उनको दर्शन देते हैं। उसके बाद स्वामी हरिदास ने वहाँ पर राधा कृष्ण के लिए रंग महल को बनाए थे। इस रंग महल में स्वयं कृष्ण राधा को अपनी हाथों से तैयार करते हैं, इसीलिए रोज रात को मंदिर बंद करते वक्त वहाँ पर सोने के लिए एक बेड, एक ग्लास दूध, खाने के लिए मिठाइयाँ, पान, एक लोटे में पानी, उसके साथ साथ राधा को तैयार करने के लिए सारी सामग्रियां रख के जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है, सुबह जब दरवाजा खुलता है तब सारी चीजें बिखरा हुआ रहता है, आधा चबाया गया पान, खाली दूध का ग्लास, आधा पानी का लोटा। राधा कृष्ण इस मंदिर में अपनी प्राइवेट टाइम बिताते हैं, गोपियों के साथ मिलकर नृत्य करते हैं और वहीं पर विश्राम भी करते हैं। कृष्ण के दूत बिना दिखाई दिए उनकी आराध्या को डिस्टर्ब करने नहीं देते हैं। जो भी डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं उसकी मौत हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। क्या सच में ये सब विश्वास करने जैसा है? अब एक ट्विस्ट है, एक्चुअली ट्विस्ट कहानी में नहीं मेरे मन में है। ये सब सुन के मुझे तो विश्वास करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। अरे विश्वास करने जैसा कुछ हो
तो ही विश्वास करेंगे ना। ये क्या बात हुई, कृष्ण ने आधा पान खा के छोड़ देते हैं, आधा लोटा का पानी पीते हैं, आधा दूध पीते हैं, सब आधा आधा क्यों भाई, पूरी पान क्यों नहीं खाते हैं? मैं ऐसे ही मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने नेट में बहुत सर्च किया है, वहाँ के बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ये सब सच है, ऐसा सच में होता है, हम घर के खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं, हमेशा बंद ही रखते हैं, उस मंदिर के तरफ देखते तक नहीं है, और कुछ फोटोज भी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सब चीजें कैसे बिखरा हुआ है, आधा पान आधा पानी का लोटा, पर रात में क्या हुआ किसने देखा है, वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है। मुझे इंटरनेट से कुछ वीडियोस भी मिले हैं, लोग रात में निधिवन में जाके घूम रहे हैं, वहाँ का पेड़ वगैरह वैसा का वैसा ही है, और लोग सही सलामत बाहर आए हैं, जिंदा भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मंदिर झूठा है, मंदिर बनाने का कारण झूठा है, भगवान झूठे हैं, मैं सबसे ज्यादा भगवान के ऊपर विश्वास करती हूँ, पर मुझे वहाँ के लोगों के द्वारा फैलाई गई झूठी कहानियों से प्रॉब्लम है। ऐसी झूठी कहानियों की वजह से बहुत लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। बोलने का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, पर इंसान के पास दिमाग नाम का चीज तो है जिससे इंसान सही गलत सोच सकता है, पर कुछ लोग दिमाग का यूज करना ही छोड़ देते हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, गलत बातें फैलाते हैं। पर आपका दिमाग क्या सोचता है स्पेशली इस स्टोरी इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं। आपके लाइक और कमेंट से हमें भी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारी सोच सही है या गलत।